हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को जो हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसका एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ये भी हम टेस्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस का ये मीनिंग है कि हमारा एल्गोरिथम जब कंप्यूटर पर रन करेगा तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना है जितना वो एग्जीक्यूट करने में लेगा, और सिमिलरली कितना एक्स्ट्रा स्पेस उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर इट्स लॉजिक बिल्डिंग। सिंपल से मीनिंग इसका ये है कि अगर हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और उस एल्गोरिथम में अगर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन देख लें, या अगर हम ये फाइंड कर लें कि कितने इंस्ट्रक्शंस उसमें एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमने इसको जस्ट रिलेट कर लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट, और एक्स्ट्रा स्पेस कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आइटरेटिव एल्गोरिथम है और उसमें हमारे ये फाइंड कर लें कि हमें कितने लोकल वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, या अगर कोई एक्स्ट्रा एरे रिक्वायर्ड है इन बिटवीन अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दिस विल एक्चुअली गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो अगर हमारा एल्गोरिथम ऐसा है जिसमें कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और अगर हमारी एल्गोरिथम ऐसी है जिसमें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम यूज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एल्गोरिथम एक बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है और एफिशिएंट एल्गोरिथम है। नाउ अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करते हैं। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं क्या, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्टेब्लिश करने के लिए अगर हम डिस्कस करें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को, तो स्पेशली हमारे पास तीन तरह के नोटेशंस हैं, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन। तो जो ये बिग ओ नोटेशन है वो यूजुअली वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, और ये जो ओमेगा नोटेशन है इसको हम बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और थीटा नोटेशन या तो एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है या फिर ऐसे केस को रिप्रेजेंट करता है जहां पे चीजें फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट पे डिपेंडेंसी अगर नहीं है और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो फिक्स है किसी भी साइज के इनपुट के लिए, किसी भी टाइप के इनपुट के लिए, तो हम कहेंगे कि ये थीटा नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी एल्गोरिथम है और वो एल्गोरिथम किसी गिवन एरे को ट्रेवर्स करने का काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारे पास एक ए एरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, और हमें अगर इसको ट्रेवर्स करना है तो मान लेते हैं कि ट्रेवर्स का मीनिंग इस जगह पे ही है कि हमें एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। सो 0 से n-1 तक हमने एक लूप चलाया और सिंपली हर एक एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो एल्गोरिथम मैंने बनाया है, इसमें अगर मैं कीवर्ड्स भी मार्क कर दूं, सो दिस इज द एल्गोरिथम, देन दिस इज बिगिन एंड दिस इज एंड। सो इस एल्गोरिथम में अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो लूप का एग्जीक्यूशन है वो n टाइम्स हो रहा है और लूप के अंदर एक स्टेटमेंट रन हो रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस लूप का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है n टाइम हो रहा है और हर एक लूप के एग्जीक्यूशन पे एक स्टेटमेंट चलता है, तो हम कहेंगे कि इसमें n×1 मीनिंग कि n इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1000 है तो ये 1000 टाइम चलेगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50,000 है तो ये 50,000 टाइम्स चलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जितने एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे उतनी बार इसका लूप का एग्जीक्यूशन होगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो एन पे है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा एन है, क्योंकि इसमें एन इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन ये कहना शायद सही नहीं है कि ये इसमें एन इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मैं इसको सी लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन और इक्वल टू n-1 एंड आई प्लस प्लस, एंड देन इसके बाद फिर मैंने प्रिंट एफ लिखा। अब मान लीजिए कि मैं प्रिंट एफ को पी एफ लिख रहा हूँ, और एरे के एलिमेंट, अगर हमें मान ले कि इंटीजर टाइप के एरे हैं, तो एरे के एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले कर दिया।
लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस केस में? सबसे पहले इनिशियलाइज होगी वैल्यू, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगा, एंड देन उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा। तो आई की वैल्यू जीरो के लिए ये तीन स्टेटमेंट्स मेरे चल रहे हैं, एंड देन इसके बाद जब पहला एग्जीक्यूशन फिनिश होगा तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगा और फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर से तीन स्टेटमेंट चले। सिमिलरली आई की वैल्यू टू के लिए फिर से तीन स्टेटमेंट चलेंगे। कैसे? कि पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। मान लीजिए कि हमने एन की वैल्यू 10 मानी है, तो एन माइनस वन की वैल्यू 9 होगी, और एन माइनस वन की वैल्यू 9 हुई, और जब आई की वैल्यू 9 होगी तो तीन बार लूप एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, मतलब कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन चला, ये कंडीशन चेक होगी और कंडीशन फेल हो जाएगी, और कंडीशन फेल होने पे हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ये 10 3 3 टाइम्स चल रहे हैं, और जब आई की वैल्यू 10 है तो ये 2 टाइम्स चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन 3 × n+2 टाइम्स हुआ। अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू वैरी कर रही है तो भी ये इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर हमें मान लें कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग fn, तो fn का मीनिंग ये है कि ये इतने इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जैक्टली इतने इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, और n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज चेंज होंगी। तो 3n+2 को भी हम थीटा एन ही लिखेंगे, और सिंप्लिसिटी के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा अजम्पशन कर लेंगे कि एन इंस्ट्रक्शन एन बार जब लूप चलता है तो ये एन इसकी काउंटिंग कर लेंगे, और चूंकि इसके अंदर एक स्टेटमेंट है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो टोटल एन इंस्ट्रक्शन अज्यूम करेंगे कि ये ऐसा चल रहा है। एक्चुअली गलत, हमने अभी 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 हमने ही इसको प्रूव कर दिया कि ये गलत है, लेकिन दोनों को एसिम्प्टोटिकली सेम लिखा जाएगा। थीटा एन लिखेंगे एन इंटू वन को भी, और थीटा एन ही लिखेंगे हम 3 × n+2 को। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में या जो एफ एन है इसमें जो भी डोमिनेटिंग फैक्टर मेरा है, एन डोमिनेटिंग फैक्टर का मीनिंग ये कि एन की वैल्यू बहुत लार्ज मानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डोमिनेटिंग फैक्टर के रिस्पेक्ट में ही कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। और चूंकि ये वाला जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें एन पे डिपेंडेंसी है, और जितने जितनी वैल्यू एन की होगी उतने ही इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा एन है, फिक्स्ड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट इज थीटा एन। सिमिलरली अगर आप देखें कि इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब कि बिगिन से एंड के बीच में हमने एक एडिशनल वेरिएबल का यूज किया है, दैट इज आई, तो हम कह सकते हैं कि सिंपली एक वेरिएबल का हमने यूज किया, और चाहे एन की कोई भी वैल्यू हो हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा एन है। तो फिक्स कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा एन का यूज करते हैं। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए कि आपसे ये कहा गया कि आपके पास एक एरे है और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको इस एरे के एलिमेंट्स पे सर्चिंग परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट रैंडम एरे है जिसमें असेंडिंग सीक्वेंस बनी है, और मुझे क्या करना है कि एक एलिमेंट लेट्स से 15 को इसमें सर्च करना है। जैसे मैं 15 को सर्च कर लूंगा, मैं उस इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा जहां पे 15 मेरा प्रेजेंट है, और मैं इसको मान रहा हूं कि मैं लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहा हूं। तो लीनियर सर्च कैसे प्रोग्रेस करता है आपको पता ही होगा कि 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट से 15 को कंपेयर कर दिया, मैच नहीं हुआ तो आगे चले, 5 इंडेक्स वाले से एलिमेंट को कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ तो आगे चले, 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर किया 15 को, मैच नहीं हुआ तो हम आगे चले, 3 इंडेक्स वाले से कंपेयर किया मैच नहीं हुआ तो आगे चले, 4 इंडेक्स वाले से कंपेयर किया मैच हो गया, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो 4 इंडेक्स है वही मेरा आंसर है। इसीलिए हम इसको डिजाइन कर लेते हैं इस एल्गोरिथम को, आइए छोटी सी एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं। तो हमने ये कहा कि मेरे पास ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च है, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक एरे है और इस एरे में एन एलिमेंट्स हैं, और लेट्स से हम इसमें की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। फिर मैंने एक लूप लगाया और लूप को 0 से लेके एन माइनस वन इंडेक्स तक प्रोग्रेस कराया, और एक कंपैरिजन किया कि अगर मेरा जो की वैल्यू है वो मैच करता है एरे ए के आईथ एलिमेंट से, तो उस केस में हम आई को रिटर्न कर देंगे। फाइन,
अगर हमारा की मैच करता है एरे के ith एलिमेंट से तो हम आई को रिटर्न कर देंगे, और अगर एलिमेंट नहीं मिला तो जब ये लूप फिनिश होगा तो उस केस में रिटर्न -1 कर देंगे, और ये रिटर्न -1 करने का सिंपल सा मीनिंग है कि इनवैलिड इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो अगर मेरा एलिमेंट मैच कर गया तो रिटर्न स्टेटमेंट लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये मैच नहीं किया तो रिटर्न -1, या मैच नहीं करने का सिंपली मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को हमने चेक कर लिया, अब हमें कोई भी मैचिंग पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट इंडेक्स लास्ट में हम क्या करेंगे कि -1 इंडेक्स रिटर्न करेंगे, जो कि एक इंडिकेटर है कि मेरा एलिमेंट इस एरे में नहीं मिलेगा। भाई इसको हम कंप्लीट करते हैं विद राइटिंग दी कीवर्ड्स, जो कि कंपलसरी कीवर्ड्स हैं इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए। तो दिस इज द बिगिन एंड दिस इज द एंड, हमारी सारी लॉजिक जो है वो बिगिन और एंड के बीच में लिखी हुई है। तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम डिस्कस करें, मान लीजिए कि हम की वैल्यू हम जिसको सर्च कर रहे हैं वो 10 है, अगर हम 10 को ही सर्च कर रहे हैं तो 0 इंडेक्स पे पहला कंपैरिजन जब हमारा होगा तभी हम इसको फाइंड कर लेंगे, सर्चिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, और चूंकि सर्चिंग सक्सेसफुल हमारी हो जाएगी तो इसी पॉइंट इन टाइम पे हम रिटर्न कर देंगे 0 इंडेक्स को। इसका मतलब है कि लूप का एग्जीक्यूशन एक बार होगा, कंपैरिजन भी एक बार होगा, और रिटर्न स्टेटमेंट भी एक ही बार चलेगा, और हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। इसका मतलब है कि 3 स्टेटमेंट्स मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं अगर मैं पहले एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आप लास्ट एलिमेंट को से मैच होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जो की वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो 8 है, वो 10 ना होके 8 है, तो इस केस में आपको सारे कंपेरिजन करने पड़ेंगे 0 इंडेक्स से भी, 1 इंडेक्स से भी, 2 इंडेक्स से भी, 3 इंडेक्स से भी, 4 इंडेक्स से भी, और 5 इंडेक्स से भी। तो लास्ट तक आपको सबसे कंपेरिजन करना होगा। तो लूप का जो एग्जीक्यूशन होगा वो एन टाइम होगा, एन टाइम ही आप कंपेरिजन करेंगे और एक बार आप रिटर्न स्टेटमेंट चलाएंगे। तो लूप एन बार चला, हर बार एक कंडीशन चेक हुई और उसके बाद फिर आपने रिटर्न स्टेटमेंट चला दिया। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट जिनका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो है 2n+1, और ये मेरा वर्स्ट केस है। और ये जो 3 स्टेटमेंट्स वाला मेरा पार्ट है जिसमें कि एलिमेंट मुझे पहले ही पोजीशन पे मिल जा रहा है, ये मेरा बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी जो 3 है, 3 को हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टेंट है। बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को हम ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा के अंदर हम 1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और 2n+1 ये मेरी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हम बेगो नोटेशन में लिखते हैं। तो वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बेगो नोटेशन में लिखा गया, और जो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमने ओमेगा नोटेशन में लिखा। अब आइए इसको हम दूसरे तरीके से एनालिसिस इसका करते हैं। मान लीजिए कि हमने ये कहा कि मेरा जो एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पे मिल गया, तो पहले पोजीशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/n। और मान लीजिए कि मेरा एलिमेंट दूसरे पोजीशन पे मिलता है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, तीसरे पोजीशन पे भी मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, इसी तरह से लास्ट इंडेक्स या nth पोजीशन पे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/n होगी। ऐसा हम मान रहे हैं कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो मिल ही जाएगा, तो हर एक पोजीशन पे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। अगर मुझे पहले पोजीशन पे एलिमेंट मिलता है तो मुझे एक कंपैरिजन करना होगा, और एक कंपैरिजन में मैं सर्च को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दूंगा। तो मैंने नंबर ऑफ कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली अगर आपका एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे मिलेगा तो 2 कंपैरिजन आपको करने होंगे, प्रोबेबिलिटी से आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपका एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे मिलेगा सो आपने कंपैरिजन को, नंबर ऑफ कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपका एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे मिलता है तो एन कंपैरिजन होंगे, और इसमें प्रोबेबिलिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको सम कर दिया। तो ये हम एक एवरेज केस की एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया है। सो 1/n हमने कॉमन ले लिया, एंड देन उसके बाद हमने कहा 1+2+3 एंड सो ऑन सो फोर्थ एन। सो ये जो 1+2+3 n है ये समेशन n है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है, समेशन आई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, और इसकी वैल्यू होती है n(n+1/2). आई होप आपको ये पता होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, या इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1 मान लीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी n+1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू n/2+½। ये मेरा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी या फिक्स कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप थीटा नोटेशंस का
यूज करते हैं। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में आई थीटा है। तो एक बार अगर हम समराइज करें कि जो हमारा लीनियर सर्च है उसमें बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा वन है, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, और इसकी एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा एन है। तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को ओमेगा नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन में, और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा एन नोटेशन के फॉर्म में।